बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। करंट अफेयर्स की रटलो श्रृंखला के साथ एक बार मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट को लिया है। आधे महीने के अप्रैल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उनको भी समाहित इसमें किया गया है और कोविड-19 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। माना कि हम लोगों के आसपास नकारात्मक माहौल है, लेकिन इतना भी नकारात्मक नहीं है। बहुत सारी चीजें सकारात्मक भी है जिनको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जीवन में सकारात्मकता रखिए। यह समय आपके स्वयं के अपने आप के पहचानने का समय है। एकांत में आप अपनी स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, मजबूत करिए और पूरे मनोयोग के साथ आगे बढ़ने का प्रण लीजिए। ये वो समय है जहां पे आप स्वयं को पहचान सकते हैं, स्वयं की कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, स्वयं की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एकांत मन में, एकांतवास में जितना आप अपने बारे में सोच पा रहे हैं उतना ज्यादा सोचिए और इस समय का उपयोग बहुत अच्छी चीजों में करिए, सकारात्मक करिए। कोविड-19 से तो हम लड़ ही लेंगे, लेकिन पूरी कोशिश करिए कि कोविड-19 के बाद एक स्वर्णिम भविष्य आपके सामने खड़ा हो। तो पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए। इसी क्रम में मैं भी रटलो श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सर रटलो श्रृंखला जीएस के लिए भी आप चला रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी चला रहे हैं। मैं एक कंफ्यूजन को बस एक सेकंड में दूर करना चाहूंगा। जीएस के लिए जो रटलो श्रृंखला आपकी है, सामान्य अध्ययन जो जीएस 4 चल रही है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगी, ABCDE, है ना। आपकी रटलो श्रृंखला जो करंट अफेयर्स की है वो अनवरत आपकी उसी क्रम में जारी रहेगी जिस क्रम में आप देखते हैं। जैसे मैं आज रटलो 9 लेकर आया हूं और इससे पहले मैं रटलो 8 आपको क्लियर कर चुका हूं। तो आंकिक मान में जो श्रृंखलाएं हैं वो आपकी जीएस करंट अफेयर्स की होंगी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जो आपकी श्रृंखलाएं होंगी वो आपकी जीएस की होंगी। दोनों ही तरह की श्रृंखलाएं लेके मैं निश्चित रूप से आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा और इनको बेहतर करूंगा। आइए आज की रटलो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित है और आज हम लोग रटलो 9 हल करने के लिए चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। चार विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। आपका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब बजट 2020-21 को प्रस्तुत किया तो वहां पर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। पहली महत्वाकांक्षी योजना आप यहां पर पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना, और जो दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी वो कौन सी थी, युवा। इसका मतलब है युवा उद्यमिता विकास अभियान। युवा का फुल फॉर्म है युवा उद्यमिता विकास अभियान। इन दोनों का ही उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ा जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक युवा हब बनाने की भी घोषणा की गई है। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, ए, उत्तर प्रदेश। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई। देखिए, इसकी थीम थी 2020 में डिजिटल इंडिया। थीम जरूर याद रखिएगा इन कार्यक्रम की, डिजिटल इंडिया। 2020 में डिजिटल इंडिया इसकी थीम थी और इसकी मेजबानी महाराष्ट्र राज्य ने की और ये मुंबई में आयोजित किया गया, मुंबई में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में, 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में आयुष्मान भारत को आप लोग जानते हैं, महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है भारत सरकार की, आयुष्मान भारत को 2020 का ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वर्ष का ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 केंद्र सरकार की किस योजना को मिला, तो आप कहेंगे आयुष्मान भारत को। क्लियर? तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, महाराष्ट्र, और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां थी। तीसरा प्रश्न है आपका, सरकार द्वारा देश का पहला हस्तशिल्प गांव बसाने का निर्णय कहां लिया गया। देखिए, यह निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश के आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में, और जो गांव बसाने का निर्णय लिया गया वो है क्या, ताजगांव। अब इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि है क्या, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए, हस्तशिल्प से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका कार्य बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर आगे नहीं आ पा रहे हैं। और यह जो हमारा उद्योग है, यह जो है एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित नहीं हो पा रहा है। देश के सर्वोत्कृष्ट नमूने जो है आपके हस्तशिल्प के या उनसे जुड़े जो कारीगर हैं या संस्थाएं हैं, उनको एक जगह एक गांव में बसाया जाएगा और फिर जब जो देश विदेश से जो भ्रमण पर आते हैं, जो
महत्वपूर्ण हस्तियां आती है, उन हस्तियों को उस गांव में भ्रमण कराया जाएगा, वहां जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे जो ये उद्योग है यह उद्योग केंद्रीय स्तर पर राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में आ सके। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो क्या होगा बताइए, आगरा होगा। आगरा का ताजगंज गांव अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश कौन सा है तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है ना। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है बताइए, सी है। आइए चौथा, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 जिसकी घोषणा ऑक्सफोर्ड द्वारा 2020 में की गई, किसे चुना गया? देखिए नारी शक्ति 2018 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, 2019 का सही उत्तर होगा संविधान। 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए पांचवा, अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य कौन सा देश बना? देखिए इसका सही उत्तर है आपका मालदीव, लेकिन 54वां सदस्य जो मालदीव बना वो पुनः बना, क्योंकि 2016 में मालदीव ने सदस्यता छोड़ी थी, 2016 में छोड़ी थी, और अब पुनः वो है राष्ट्रमंडल का 54वां क्या बना, सदस्य बना। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, मालदीव। अगर अगर आपसे बात की जाए कि इससे पहले मालदीव पहली बार कब सदस्य बना था, तो इससे पहले पहली बार अगर हम लोग देखें तो पहली बार मालदीव 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, मतलब 1982 में सदस्य बना, 2016 में सदस्यता छोड़ी और अब पुनः सदस्य बना है 54वां सदस्य। कुल 54 देश हैं, इसका मुख्यालय लंदन में है राष्ट्रमंडल का, और इसके वर्तमान जो सचिव है वो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है, वर्तमान में जो सचिव है वो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ के। आइए छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन हाल ही में किया गया, वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन हाल ही में किया गया, यह कब आयोजित हुआ? यह 10 से 14 फरवरी 2020 के बीच आयोजित हुआ और यह आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। उसका उद्देश्य क्या था? देखिए लघु उद्योग, अति लघु उद्योग और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको बैंक किस प्रकार उनके उद्योग में सहायता कर सकता है, किस प्रकार की सहायता आरबीआई के द्वारा बैंकों के माध्यम से उनको पहुंचाई जा सकती है और वो अपनी पूंजी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इन सभी लोग बातों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, जिसमें टैक्स से लेके जीएसटी से लेके सभी तरह की जागरूकता शामिल है ना। तो ये आरबीआई का आयोजन था जो लघु अति लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए था, 10 से 14 फरवरी तक ये मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए, ए उत्तर सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जिसको हम EIU कहते हैं द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष देश कौन सा है? देखिए कुल 167 देश इसमें शामिल थे, है ना, 167 देश शामिल थे, तो नॉर्वे का स्थान पहला है, नॉर्वे इसमें शीर्ष देश है, और उत्तरी कोरिया का स्थान 167वां है, उत्तरी कोरिया का स्थान 167वां है। इसका मतलब 167 कुल देशों में 167वां स्थान अपने आप में बताता है कि अंतिम स्थान पर था। और भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है, 51वां है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IU द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का क्या स्थान कौन सा है बताइए, 51वां है। तो आप इसको गलत नहीं करेंगे, तीन जानकारियां यहां पे आपके काम की है, पहला स्थान नॉर्वे, अंतिम स्थान उत्तरी कोरिया और 51वां स्थान किसका है, भारत का है। देखिए एक कठिन समय चल रहा है, आप लोग जहां पे भी हो स्वस्थ हो, आपके परिवारजन स्वस्थ हो, मैं आपसे ऐसी ही कामना करता हूं। लगातार लोग जुड़े हुए हैं, लगातार लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फेसबुक पे मैसेज भी आते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, ये समय है। तो देखिए कठिन समय है लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जैसे मैंने शुरुआत में दो वाक्यों से अपनी बात शुरू की थी और यही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक व्यक्ति की जो लाइफ होती है उसके जीवन में डाउन्स आते हैं तो एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र का भी एक जीवन होता है। ये हमारे देश में भी अप्स एंड डाउन्स हैं, पूरे संसार में अप्स एंड डाउन्स हैं। हार्ट लाइन कभी भी देखिए स्ट्रेट नहीं होती, हार्ट जो जीव आपकी हार्ट लाइन होती है हृदय रेखा, वो जिगजैग मोशन में चलती है, तो नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आते हैं। तो देखिए ये पूरा विश्व हमारा देश थोड़ा सा नीचे है, हम परेशानी में, हम लोग निश्चित ऊपर आएंगे। आप लोग उस जज्बा को, सकारात्मकता को बनाए रखिए
और आगे बढ़िए। इसी क्रम में मैं लगातार आपके सामने आता रहता हूं, आपको बातें बताता रहता हूं और आगे भी जब तक ये कठिन दौर चल रहा है टारगेट विथालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह आपके साथ खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि सर बीओ की तैयारी और यूपीपीसीएस की तैयारी, तो संस्था की तरफ से आपको एक सूचना है। ये हमारे देखिए बीओ का बैच हमारा पूरा हो चुका है, फिर भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अभी आपकी परीक्षा में आराम से 60-70 दिन का समय अब मिलना तय है बीओ वालों के लिए जो देख रहे हैं। जो सदस्य जुड़ना चाहते हैं हमारा बैच पूरा कंप्लीट है, हम आपको उसी बैच से जोड़ देंगे और 70 दिन का समय है। अगर आप उस समय नहीं ले पाए थे तो इस समय आप जुड़ जाइए, आराम से आप अपना कोर्स पूरा कर लीजिए। या यूपीपीसीएस के तो हमारे रनिंग बैच है, उसमें लगातार हमारी 5 से 6 क्लासेस जा रही है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो संस्था की तरफ से मैं सूचना आपको प्रदान कर दूं कि कैसे आप जो है उस बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए ये दो नंबर दिख रहे हैं, बीओ के लिए आप इस नंबर पर एंट्री बीओ लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, और यूपीपीसीएस के लिए आप इस नंबर पर यूपीपीसीएस एंट्री लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं इन नंबर पर आप फोन कर लीजिए, है ना। और ये तीनों ही जो प्रक्रिया है हमारे बैच से जुड़ने की, ये संस्था की तरफ से सूचनाएं थी। ये बैच हमारा पूरा कंप्लीट है गुणवत्तापूर्ण तरीके से, ये बैच हमारा रनिंग है। ऐसी कंडीशन में भी प्रत्येक दिन इसमें से 4 से 5 कक्षाएं जा रही है, तो आप में से जो लोग भी जुड़ना चाहें आप घर बैठे एकांत में आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। संस्थान पूरी तरह आपके साथ है, बाकी मैं हर 1-2 दिन में आपसे इसी प्रकार रूबरू निश्चित रूप से होता ही रहता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, ये तो क्लियर हो गया आपका। 8वां प्रश्न, ऑपरेशन वनीला का संबंध निम्न में से किससे है, जिसे हाल ही में संचालित किया गया था, है ना। देखिए पर्यावरण संरक्षण से, शिक्षा एवं संस्कृति से, भारतीय नौसेना से, चुनाव सुधार से। देखिए इसका सीधा संबंध है भारतीय नौसेना से, क्लियर कर लीजिए। अब भारतीय नौसेना से कैसा जुड़ा है, आपने सुना होगा मेडागास्कर का नाम, मेडागास्कर, है ना। वहां पर अभी एक प्राकृतिक आपदा आई थी जिसको कहा गया था डायने, तो मेडागास्कर के लोगों पर आई प्राकृतिक आपदा डायने में भारतीय नौसेना द्वारा जो आपदा और राहत प्रबंधन का काम किया गया, बचाव और राहत प्रबंधन का काम किया गया, उसी ऑपरेशन को जो नाम दिया गया वो कहा क्या गया, ऑपरेशन वनीला। तो ऑपरेशन वनीला का सीधा संबंध किससे है बताइए, भारतीय नौसेना से है। आइए अगला है आप लोगों का, हाल ही में दिए गए 92वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निम्न में से किसे चुना गया, ब्रैड पिट, जोकिन फिनिक्स, वांग जून, जोजो रैबिट। देखिए जोकिन फिनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, कौन सी फिल्म के लिए, जोकर फिल्म के लिए। एक भारत में जोकर बनी थी वो अलग थी, ये जोकर फिल्म फिर से बनी और इसके लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया 92वां। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया पैरासाइट को, नोट करते चलिए छोटी छोटी जानकारियां बहुत काम आएंगी, पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, क्लियर। तो ये आपका इसका सही है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म हमेशा ऑस्कर में आपसे पूछी जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए, पैरासाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, 77वां, 84वां, 63वां, 76वां। 10वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा देखिए 76वां। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया है, पहली बार जारी किया गया है, क्लियर। हाँ, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है बताइए, 76वां है। अगर हम लोग कहें कि पहले स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क पहले स्थान पर है आपका, डेनमार्क का स्थान इसमें पहला है, और आइवरी कोस्ट जो है आपका, आइवरी कोस्ट इसमें अंतिम स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम स्थान किसका है, तो आइवरी कोस्ट का है, डेनमार्क का स्थान यहां पर पहला है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह पहली बार जारी किया गया है। 11वां, कोरोना COVID-19 के नियंत्रण के लिए चलाया गया ऑपरेशन शील्ड निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा संचालित है, ऑपरेशन शील्ड, SHIELD, क्लियर। देखिए मैंने इससे पहले जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो मैंने आपको 5T के बारे में बताया था, 3 अभियान इस समय प्रमुख है। देखिए टीम 11 जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश सरकार का था, उत्तर प्रदेश सरकार का। 5T जो अभियान था वो दिल्ली सरकार का था, इससे पहले वाले रटलों में मैंने इसकी व्याख्या की थी, और ऑपरेशन शील्ड जो है वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया गया है, वो ये दिल्ली सरकार का अभियान है, जहां पर S से मतलब है सीलिंग, S से मतलब है सीलिंग, S से मतलब है होम क्वारंटीन, I से मतलब है आइसोलेशन,
ई से मतलब है एसेंशियल सप्लाई, मतलब जरूरी वस्तुओं की जो है आपूर्ति की जाएगी। एल से मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, मतलब पूरी दिल्ली में सैनिटाइज किया जाएगा। और डी से मतलब है डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। तो ये बहुत बढ़िया इनका अभियान चल रहा है सील्ड, और दिल्ली काफी अच्छा काम कर रही है इसमें बचाव में, और हम सभी लोग जो है अपने तरीके से बहुत प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी अच्छा हो, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा बताइए, सी होगा, दिल्ली, सील्ड दिल्ली का है। आइए, कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा समस्त देशवासियों से दान की और सहायता की अपील की गई, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय खाता निम्न में से किस नाम से है। देखिए, अब आपको ये सब चीजें जो आपके सामने घट रही हैं, थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। जिस चीज को आप महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं, आने वाले 2-4 साल बाद तो वो इतिहास हो जाएगा, लेकिन इस वर्ष जितनी भी परीक्षाएं आपकी हो रही है उसमें से एक एक डाटा, एक एक विषय वस्तु निश्चित रूप से आपके काम की है, क्योंकि करंट में सबसे ज्यादा अगर चीजें पूछी जाएंगी तो आपसे COVID-19 से पूछी जाएंगी। क्लियर? तो यहां पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो दान की अपील की थी उस खाते का नाम क्या है। तो चार नाम आपको दिए गए, प्रधानमंत्री कल्याण कोष, प्रधानमंत्री जन कल्याण कोष, प्रधानमंत्री राहत एवं आपदा कोष, प्रधानमंत्री केयर्स फंड। तो प्रधानमंत्री केयर्स फंड के नाम से बनाया गया है, और इस पर थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ है कि जब पहले से ही एक खाता था प्रधानमंत्री रिलीफ का, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ का, तो नया खाता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अखबारों में भी ये बहुत चर्चित स्थिति रही कुछ इस सप्ताह। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, प्रधानमंत्री केयर्स फंड होगा। 13वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय द्वारा के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। देखिए, पहली बात तो इतनी जनसंख्या विश्व के किसी देश में है ही नहीं। अगर 40 करोड़ की बात आ जाती है तो फिर 40 करोड़ में विश्व के कुछ ही देश बच जाते हैं जिनमें इतनी संख्या है या इससे ज्यादा संख्या है। अब 40 करोड़ लोग अगर गरीबी में फंस रहे हैं, इसका मतलब उस देश की संख्या कम से कम इतनी, इससे दुगनी होनी चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से दो ही देश बचते हैं, चीन और भारत। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, भारत, है ना। अब फिर से इस प्रश्न को पढ़िए एक बार, संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्या बताइए, भारत। अब इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल दुनिया में लगभग 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। मतलब आने वाला जो समय है चैलेंजेस से भरा हुआ है ना। तो 19.5 करोड़ों की नौकरी तो छूट सकती है, और भारत में लगभग अगर हम लोग देखें तो 40 करोड़ लोग ऐसे जो हैं वो गरीबी में फंस सकते हैं कुछ नौकरी छूटने के बाद, और कुछ तो वैसे भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आपके जीवन यापन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आज तक की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 13,000 से ऊपर मामले हम लोग यहाँ COVID-19 के पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोगों द्वारा, बहुत सारे गरीबों की सेवा की जा रही है, सहायता की जा रही है, लोगों द्वारा किया जा रहा है, हम सब लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय थोड़ा सा कठिन है, मजबूती से हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। आइए, अगला प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि को किस समय तक के लिए स्थगित कर दिया, है ना, दिसंबर 2020 के लिए स्थगित कर दिया। जितने भी लोग क्वालिफाई कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले थे तो उस क्वालिफिकेशन अवधि को दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, और फिर कहा गया है कि इसके बाद 4 माह का समय ओलंपिक समिति देगी आपको, अगर सारी चीजें सही हो जाती है। तो इस 4 माह में जो भी खिलाड़ी हैं वो अपना क्वालिफाई यहां पर कर सकते हैं, उस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। और साथ में यह भी कहा है जो पहले क्वालिफाई कर चुके हैं इस प्रक्रिया में वो सीधे ही ओलंपिक में शामिल हो सकते हैं, उन्हें फिर से क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आइए, अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, IQAir के डाटा के अनुसार दुनिया के शीर्ष, देखिए IQAir पर्यावरण प्रदूषण को के आंकड़े देने वाली एक रेपुटेटेड संस्था है ना, लिखा है कि डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर हैं, भारत के 2 शहर हैं। पहले 20 में भारत के शहरों की जो है संख्या थी 14, लेकिन लॉकडाउन के कारण प्रदूषण का स्तर बहुत कम आया है और 14 से यह संख्या घटके 2 हो गई है। सबसे बड़ी बात, राजधानी दिल्ली इसमें हमारी शामिल नहीं है। ये जो 2 शहर रह गए हैं इनमें से 1 शहर है आपका कौन सा बताइए, कलकत्ता,
और एक शहर जो है आपका वो कौन सा है बताइए, मुंबई। ये दो शहर इसमें शामिल रह गए, पहले कितने थे बताइए 14 थे, लेकिन इस समय कितने हैं बताइए, केवल 2 है ना। तो इस समय भाई कुछ भी हो लेकिन प्रदूषण के मामले में लॉकडाउन ने बहुत ठीक ठाक काम किया है, नेचर अपने आप को हील कर रही है, नेचर अपने आप को हील कर रही है। आप देख रहे हैं बादल साफ हो गए हैं, नदियों के पानी साफ हो गए हैं। अभी आपने एक आर्टिकल द हिंदू का पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि ओजोन परत अब का जो क्षरण हुआ है वो भी अपने आप को हील कर रही है, आसमान आपको साफ दिखता है ना। पेड़ पौधों जीव जंतुओं को रहने का जीने का एक मौका मिला है, अपने आप को हील करने का एक मौका मिला है। तो कई जगह इसके दो पक्ष हैं, एक जगह अगर परेशानी है तो नेचर के हिसाब से देखा जाए तो नेचर के हिसाब से पृथ्वी अपने आप को हील कर रही है। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, शायद हम लोग ये भूल गए थे है ना कि यह जो पृथ्वी है, यह जो प्रकृति है, इस पर हमारा एकाधिकार नहीं है, बल्कि हम साझा करते हैं इस प्रकृति को किस किस के साथ, जीव जंतुओं के साथ, वनस्पतियों के साथ। जीव जंतुओं का भी उतना ही अधिकार है, वनस्पतियों का भी उतना ही अधिकार है और हमारा भी उतना ही अधिकार है। तो ये अपने मन में लाना कि इस प्रकृति पर हमारा एकाधिकार है, ये गलत है, क्योंकि जब जब एकाधिकार की भावना आएगी प्रकृति आपको परेशान करेगी। तो प्रकृति को रिस्पेक्ट करिए, प्रकृति का सम्मान करिए, इस पर जीव जंतुओं का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है, वनस्पतियों का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है ना। ये पृथ्वी हम सब साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, ये भावना हमारे मन से नहीं जानी चाहिए। प्रकृति को कभी भी विकृति में नहीं बदलना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को विकृति में बदल दिया है या हम उसके बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस चीज का भी ध्यान रखें और जो ये एकांत मन मिला है उसमें इसका भी मनन करें कि प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, कैसे प्रकृति को बचाना है। आइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमारा बी होगा। 16, चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया, 76 दिन बाद। 23 जनवरी को यहां पे लॉकडाउन हुआ था। ये लॉकडाउन की कुछ प्रमुख तारीखें आपको याद रखनी है और 76 दिन बाद लॉकडाउन यहां पर, 23 जनवरी के 76 दिन बाद यहां पे लॉकडाउन खोला गया। आइए, सही उत्तर होगा सी, 76 डेज। 17वां प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19, आपको ये मालूम है कि कोविड-19 नाम कैसे बना? देखिए, को जो है ना ये आधिकारिक नाम है जो WHO ने दिया, WHO ने जो आधिकारिक नाम दिया है उसको हम लोगों ने क्या कहा, कोविड। कोविड से मतलब क्या है, को से बनता है कोरोना, ये CO कोरोना है, VI से है वायरस और D से डिसीज। कोरोना, VI से वायरस और D से डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, इस प्रकार ये नाम बना कोविड-19 है ना। 19वीं श्रेणी का अपने तरह का ये वायरस है, क्लियर। आइए, अब प्रश्न है आपका, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा समाधान। देखिए, समाधान एक ऐप भी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। समाधान ऐप अगर कहीं लिखाओ, ऐप और पोर्टल, तो ये ऐप है चुनाव आयोग का, है ना, चुनाव आयोग का है ये ऐप, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, मंत्रालय ने भविष्य की चुनौतियों का सामना कर लिया, चैलेंज है। चैलेंज के रूप में जब ये पूछा जाए तो ये बताइए क्या है, समाधान चैलेंज है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य क्या है आप यहां पर समझ लीजिए। देखिए, चैलेंज से हमारा आशय है, ऑनलाइन चैलेंज का उद्देश्य छात्र छात्राओं में नए प्रयोगों में नई खोज की क्षमता को परखना है, क्लियर है, जिससे ऐसे छात्र छात्राएं ऐसे उपायों की खोज कर सकेंगे जिसमें सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों एवं अन्य सेवाओं को असमय आने वाली चुनौतियों का त्वरित समाधान उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा इस ऑनलाइन चैलेंज के द्वारा नागरिकों को जागरूक करने, उन्हें प्रेरित करने और किसी भी संकट को रोकने में लोगों को आजीविका प्रदान करने हेतु मदद का काम भी किया जाएगा। मतलब एक जागरूकता अभियान भी है और युवाओं द्वारा भविष्य के संकट से निपटने के लिए एक खोज अभियान भी है। दोनों तरह का अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। समाधान चैलेंज यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। आइए, 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना? देखिए, 14 जब हम लोगों का 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो रहा था तो बहुत चर्चा हो रही थी कि कैसे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री जी कितने दिन तक के लिए बढ़ाएंगे, तो केंद्र ने 3 तारीख तक इसको बढ़ाया है, 3 तारीख तक अगले चरण में बढ़ाया है। लेकिन
केंद्र सरकार के बनाने से पहले, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन से पहले ही उड़ीसा ऐसा पहला राज्य था जो इसको पहले ही 30 अप्रैल तक पढ़ा चुका था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल से संबंधित है ना। नवीन पटनायक जी ने पहले ही इसको 30 अप्रैल तक पढ़ा दिया और ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बन गया। आइए 19वां सीआरपीएफ सौर दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इधर इस 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा नमस्ते कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीआरपीएफ सौर दिवस 2020 के दिन प्रधानमंत्री ने सभी सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको क्या किया? नमस्ते किया। तो ये 9 अप्रैल इसका सही उत्तर होगा। अभी क्यों मनाया जाता है ये भी समझ लीजिए। 9 अप्रैल 1965 के दिन सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था, है ना, गुजरात के कच्छ के रण में, है ना। और यहां पर 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। 1965 की बात है। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक 9 अप्रैल को सीआरपीएफ सौर दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार भी किया गया। 20वां प्रश्न है आपका। हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में, देखिए अब प्रश्न यहां से ध्यान रखना है, G20 देशों की वर्चुअल बैठक किस देश में आयोजित की गई, पहले तो यही याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब, है ना। भले वर्चुअल थी लेकिन आयोजन किस देश को केंद्र में रखकर किया गया? सऊदी अरब। अब प्रश्न पढ़िए। मैं प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया, तो इसका सही उत्तर है आपका सऊदी अरब, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 11 अप्रैल। बताइए तो इसका सही उत्तर होगा 11 अप्रैल। और ये जो है कस्तूरबा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी जी को हम सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तरफ तिथि है। क्लियर। तो देखिए भारत इस दिवस का आयोजन करने वाला पहला देश है, पहले तो ये जान लीजिए, है ना। कस्तूरबा गांधी जी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1944 को पुणे में हुई थी। मैंने जब आपको जीएस का सार समझाया था तो मैंने कहा था कि 9 अप्रैल 1942 को, है ना, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय गांधी जी बिरला हाउस में थे और यहां से जब ऑपरेशन जीरो की शुरुआत तुरंत की गई तो उनको पुणे के आगा खां पैलेस में ले जाके नजरबंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और वहीं पर 22 फरवरी 1944 को उसी पुणे के आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 22 फरवरी 1944 मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। देखिए ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस का आयोजन देश में मातृ मृत्यु दर के चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता की कमी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दिवस के आयोजन की शुरुआत कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर भारत सरकार द्वारा 2003 में की गई थी और 2003 से प्रत्येक वर्ष यह आयोजन किया जाता है। प्रश्न 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। आइए विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 2019 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है? इसमें भी भारत ही आपका सही होगा, है ना। क्योंकि देखिए जब ये सब नहीं हुआ था लगभग हम लोग 6.3% की विकास दर से आगे बढ़ रहे थे, थोड़ी सी नीचे तो पहले ही आ चुकी थी और अब ये अनुमान है कि 1.5% या इससे भी नीचे गिर सकती है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खराब स्थिति है यहां पर। तो ये इसका सही उत्तर हमारा क्या है? भारत। आगे की चुनौतियों के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना है, इसका सामना करने के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना है, क्योंकि हमारा देश है तो सामना भी हम लोग मिलजुल के ही करेंगे। आइए अगला प्रश्न है आपका 23वां प्रश्न। देखिए 23 हाइड्रोक्सीक्लोरीन इसका बहुत चर्चा में। 23वां प्रश्न से पहले 1 सेकंड में आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, है ना। देखिए मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था कि आप मुझे
फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, आप मेरे फेसबुक पर जुड़ लीजिए। इससे मैं तमाम तरह की आपकी सहायताएं कर पाता हूं, और जब मैं आपके सामने लाइव भी नहीं आता क्योंकि यूट्यूब पर रिटर्न में आपके जवाब नहीं दिए जा सकते, तो कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं आपसे कर सकता हूं। आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक पर फॉलो भी किया है, मैं आपसे फेसबुक से जुड़ना चाहता हूँ। आप सभी लोग फेसबुक पर रवि पी तिवारी सर्च करें, है ना, ये रवि पी तिवारी, यह मेरी आईडी है, क्षमा करिएगा, रवि पी तिवारी यह मेरी आईडी है, और यहां से आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपकी मित्रता का जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इससे काफी ऊपर चढ़ चुका हूं। तो आप मुझे फॉलो करिए फेसबुक पर, और जो भी आपके सुझाव हो टारगेट बिरतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए, स्वयं मेरे लिए, या जो भी आपकी चीजें हो, जो भी आपका स्नेह प्रेम है, आप वहां पर इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। कोई भी आपके प्रत्येक सुझाव का सम्मान होगा। रवि पी तिवारी, आप यहां पर मुझे जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। आइए अपनी विषय वस्तु पर आते हैं। यहां पर लिखा है, यहां पर दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरीन के उत्पादन और निर्यात पर कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। हमें नहीं पता कि किसी ने वैक्सीन बनाई है कि नहीं बनाई है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी गोली की हो रही है, दवा की हो रही है, तो वो यहां पर हो रही है इसकी, है ना। हाइड्रोक्सी क्लोरीन जो है हमारे यहां, वो मलेरिया की दवा है, क्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा है, और यह समान प्रभाव नहीं डालती, या यह कोई मानक दवा नहीं है कोविड 19 के लिए, लेकिन और मरीजों की तुलना में जिन मरीजों को यह दवाई दी गई भारत में, तो इसके प्रभाव अच्छे हैं। तो पूरे देश ने हमसे इसको माला है, और लगभग 55 देशों को हमने ये दवा भेजी दी है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत होगा सी। 24वां प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड 19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश के सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं। 3 महीने की, 3 महीने। अगर आपकी बैंक में ईएमआई जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, और अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3 महीने तक बैंक आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। और आपने देखा कि आरबीआई के गवर्नर ने भी अभी जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे उपाय और बहुत सारे अनुदान की घोषणा की है। तो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं, वो लगातार इस प्रयास में है कि मजबूती से इस परिस्थिति से निपटा जाए। आइए 25वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है ना। सभी लोग हम जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पहले जान लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वह एक वैश्विक संस्था है, हम सभी लोग जानते हैं, है ना। अब दिक्कत क्या है, विश्व की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और वैश्विक मानक विकसित करने वाली संस्था है WHO। WHO 7 अप्रैल 1948 को WHO की का गठन हुआ था, और 194 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। ये तो बेसिक बात हो गई। लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो 416 करोड़ रुपया अमेरिका प्रतिवर्ष इनको देता है अनुदान के रूप में, और उसके बाद बारी बारी से सारे देश कुछ ना कुछ उपाय देते हैं, लेकिन यूरोपीय देश इनको सबसे ज्यादा वो देते हैं, और चीन भी देता है। अभी आपने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो व्हाइट हाउस से जो सर्कुलर जारी हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि WHO ने इस महामारी में जो भूमिका उसकी होनी चाहिए थी उसका सही तरीके से पालन नहीं किया, और चीन की तरफ वो ज्यादा झुके रहे शेष विश्व को लेकर। तो ऐसी कुछ चिंताएं जाहिर करके उन्होंने इस फंड को रोकने का जो है प्रावधान किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, बी, WHO। 26वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है रघुराम राजन। कोविड 19 से पड़ने वाले वैश्विक प्रभावों से निपटने के लिए इसके अध्यक्ष IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अध्यक्ष है उनकी देखरेख में एक पूरी कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी में भारत से किसको शामिल किया गया, रघुराम राजन को। 27वां, किस देश के
नगर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया। इसका भी सही उत्तर होगा भारत। देखिए, बहुत सारे ऐसे दूरस्थ स्थान हैं जहां पर जो है सुविधाएं नहीं पहुंच सकती क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारा बंद है, तो मेडिकल से लेकर खान पान की से लेकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा, सेना के जहाजों द्वारा और एयर इंडिया के विमानों द्वारा की जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, भारत, है ना। और इसके लाइफलाइन ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। 28वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के से नमूने प्राप्त करने हेतु COVAX के कोवैक्स का विकास किया, DRDO। देखिए, जब हम कहीं से नमूने लेते थे, अस्पताल से या किसी व्यक्ति के घर से नमूने लेते थे या किसी लैब से नमूने लेते थे, तो नमूनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में रास्ते के खतरे होते थे, जो व्यक्ति उन नमूनों को ले जा रहा है उस व्यक्ति के संक्रमित होने के खतरे होते थे। तो एक किट बनाई गई है जिसमें उन नमूनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वो ये किट किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है, जिसका नाम क्या है बताइए, कोवैक्सेक या क्वास्क कोविड। सी उत्तर सही है आपका। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। इससे पहले भी भारत दो बार मेजबानी कर चुका है, एक बार महिला की और एक बार पुरुष चैंपियनशिप की, क्लियर है ना। तो देखिए, इससे पहले जब मेजबानी की तो कब की, 1980 में एक बार मेजबानी की थी मुंबई में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप की, और महिला चैंपियनशिप की मेजबानी 2003 में हरियाणा के हिसार में की थी, है ना। अब यहां पर मेजबानी करने चल रहा है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारत। 23वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 2020 के लिए कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है ना, कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसे इंग्लिश में वेटलैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको पेपर में मिल जाता है तो कंफ्यूज मत होइए। 10, 9, 8, 7, तो इसका सही उत्तर होगा 10, है ना। 6, 3 और 1, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सबसे ज्यादा जो 6 है वो उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, 6, 3 जो है वो पंजाब की हैं और 1 जो है वो महाराष्ट्र की हैं, है ना। अब कुल 37 झीलें हो गई हैं, 10 को और कर दिया तो कुल कितनी हो गई है, 37 रामसर साइट या वेटलैंड साइट घोषित हो गई है भारत में। अब मैं बताता हूं कि रामसर साइट क्या है। रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है। वर्ष 1971 में झीलों को बचाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन यहां पर आयोजित हुआ था, इंग्लिश में से वेटलैंड कहते हैं। तब से संरक्षित श्रेणी को हम लोग रामसर श्रेणी या रामसर साइट कहने लगे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है ना। तो अब इसका सही उत्तर क्या है बताइए, 10 है और झीलों को संरक्षित करने के लिए हम इसको रामसर कहते हैं, ये ईरान का एक शहर है। तो आज के रटलो में 30 प्रश्न है। रटलो आपको कैसा लगा, लगातार कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से जुड़ने की। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप हम लोगों को कहां से देख रहे हैं और आप सुरक्षित हैं कि नहीं है, आपके कमेंट ही ऊर्जा है। तो खूब अच्छे से लाइक किया करिए और कमेंट किया करिए, आपके लाइक कमेंट से संस्था का और व्यक्ति का सबका मनोबल बढ़ता है। अनंत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को स्वस्थ रहने की, जल्द ही पुनः आपसे एक बार मुलाकात करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।